अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूं कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा। आजादी के इतने साल के बावजूद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। मैं सभी बैंकों के छोटे मोटे हर व्यक्ति को आज बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और आज देश ने अचीव किया है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। दूसरी तरफ, जब तक हम गरीब की तरफ देखने का अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एक समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में, तब तक हम शायद प्रोजेक्ट लेंगे, परिणाम लेंगे, लेकिन जब तक वो कन्विक्शन नहीं बनता है, आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल ऑफ फेथ बनने के पीछे या कन्विक्शन बनने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच को बदलती है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। और आप देखिए, गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। बैंक वालों ने अमीरों की गरीबी बहुत बार देखी होगी। समय पर पैसे जमा न करने वाले कई अमीर उन्होंने देखे होंगे। रिस्क लेने वाले बैंक मैनेजर भी परेशान रहते होंगे, यार मार्च एंडिंग तक नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं तो। तो आपने अमीरों की गरीबी देखी होगी, लेकिन इस जनधन की योजना से आपने गरीबों की अमीरी के देखने का सौभाग्य मिला। जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी जो 14 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो कर रखना चाहिए। और 14 हजार करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाए। 14 हजार करोड़ रुपया। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनके मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमने पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पुरुषार्थ से 14 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, अब बधाई के पात्र हैं। लेकिन 41% लोग पैसे जमा कराएं, वो मैं समझता हूं हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण है। हमारी नई योजनाओं के लिए वो एक हमारे लिए एक लैंडमार्क बन सकता है। और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में, ये बात ठीक है कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है, और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो, तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटे, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या हो। अब मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है
कि ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसका बैंक खाता खुला है वो ऑपरेशनल कैसे हो।